Hello and welcome everyone to the channel of Electro for you to learn. Now in the series of learning basic statistics, in the previous lecture we have covered about skewness, and in today's lecture we are going to cover about kurtosis. We will see its significance and formula for finding kurtosis. In this lecture we will see definition of what kurtosis is and how many its types and some problem based on kurtosis. So let's proceed further. Now kurtosis, it is measure of peak deadness of a distribution and is given by the method of kurtosis. Okay, जैसा कि स्क्यूनस में हम लोग देखे थे कि वो मेज़र था किसका, सिमेट्री का मेज़र था, कितना ज़्यादा सिमेट्री होता है. बट यहाँ पे जो है कर्टोसिस जो है उसमें जो मेज़रमेंट हम लोग देखते हैं, इट इज़ द मेज़र ऑफ, दिस वी हैव टू रिमेम्बर, पीकनेस ऑफ द जो कर्व हमें दिया उसका जो पीक का वैल्यू है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, हम लोग वो देखेंगे. पीक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीक जो होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेजर ऑफ पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ कर्टोसिस, उसको ही कर्टोसिस का मेजर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ कर्व, इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन ए सी, एंड हेयर वी आर हैविंग अ कर्व दैट इज सी विच इज़ डिनोटेड फ्रॉम ब्लैक, एंड अनदर कर्व विच इज ग्रीन डिनोटेड फ्रॉम ग्रीन that is B, and one another that is A, now which is denoted from red. हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो तीनों कर्व है, ये जो डॉटेड है, एक ग्रीन लाइन वाला है और एक ब्लैक लाइन वाला, ये जो तीनों कर्व है इन सबका अलग अलग बेस्ड ऑन दियर लेवल ऑफ पीक. पीक का जो लेवल है, एक का लेवल देखिए यहाँ तक है, ये जो है दिस वन, अनदर इज रेड दिस वन, एंड वन इज ग्रीन जिसका ये है. तो ये जो लेवल है, पीक का जो लेवल है, डैट उसका जो मेज़र होता है, इस पीक के लेवल के मेज़र को ही हम लोग कर्टोसिस कहते हैं. जबकि हम लोग स्क्यूनस में जो देखे थे वो क्या था, स्क्यूनस में जो हम लोग देखे थे वो था जो सिमेट्री होता है. इट मीन्स जैसे ये कर्व है तो इसका जो सिमेट्री हुआ, तो वो हम लोग देखे थे कितना ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और पॉजिटिव इट मीन्स लेफ्ट टेल जो इसका है और ये जो राइट टेल है, कौन ज़्यादा ब्लेंड है, कौन ज़्यादा झुका हुआ है, कौन कम है, उसके बेसिस पे हम लोग स्क्यूनस को डिटरमाइन करते थे. इट मीन्स सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग स्क्यूनस को मेजर करते थे. बट पीक का जो वैल्यू है उसके बेसिस पे हम लोग कर्टोसिस को मेजर करते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन सिमेट्री कर्टोसिस एंड स्क्यूनस अब तो क्लियर हो गया होगा. नाउ हियर वी विल सी दैट जो कर्टोसिस का मेजर होता है, इट इज़ गिवन बाई द फार्मूला बीटा टू दैट इज म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर. ओके, वेयर म्यू टू इज नथिंग बट इट इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट. सेंट्रल मोमेंट हम लोग पढ़े थे पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इट थॉरली देन प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज लेक्चर ऑफ सेंट्रल मोमेंट टू गेट इट मोर क्लियर. यहाँ पे हम लोग बस उसका फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज म्यू टू. ये जो है हमारा सेंट्रल मोमेंट है, इट इज़ कहीं कहीं पे बुक में इसको एम टू से भी डिनोट करते हैं, एम टू लिखे या फिर म्यू टू, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. इट इज़ गिवन बाई द फॉर्मूला मोमेंट इज समिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एंड दिस समिशन गोज फ्रॉम आई वन टू लेकर एन तक, ये समिशन जाता है. वेयर एज म्यू फोर, जस्ट लाइक ये टू था तो टू का पावर किए थे, तो म्यू फोर है तो फोर का पावर होगा सिंपली. तो यहाँ से ये जो फार्मूला है, दिस इज़ द मेन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कर्टोसिस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ एनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेस्ड ऑन द पीक लेवल
the division of kurtosis is in three parts. Okay. Now moving to the level of peakness, we will see that B का जो peak value है that is greater than that of A and of C, और A का जो है वो C से बड़ा है but B से कम है peak का value. तो peak के value पे ही generally kurtosis को हम लोग three parts में divide करते हैं. Generally जो होता है जो kurtosis होता है एक किसी एक variable का वो less होता है या फिर greater होता है in comparison to another variable. And we need almost two variables for the comparison. Okay, then we will see that the kurtosis of a normal bad wheat is zero. जो normal होता है bad wheat उसका जो kurtosis होता है that is zero. For example, in this curve, if we will see that level, see, three जो है उसको हम लोग reference point की तरह ले रहे हैं. इट मीन्स नाइदर मोर देन डैट. इफ़ अगर थ्री से ज़्यादा होगा तब उस लेवल को हम लोग उस पीक के लेवल को किसी और नाम से जानते हैं, और अगर वो लेस देन होगा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज सम अनदर नेम. ओके, सो एंड वॉट इफ एग्जैक्टली इट इज़ थ्री देन इट इज़ गिवन इट इज़ सेट टू बी द नॉर्मल. इफ बीटा टू, वट इज़ बीटा टू? बीटा टू इज़ द मेजर ऑफ, जो मेज़र होता है कर्टोसिस का उसको बीटा टू से डिनोट करते हैं. तो वो जो होता है इफ़ बीटा टू इज़ थ्री, इफ़ इट इज़ थ्री देन कर्व इज सेट टू बी नॉर्मल और मेज़ोकार्टिक. ओके, जनरली जो होता है कर्टोसिस जो होता है नॉर्मल वेरिएट का, नॉर्मल वेरिएबल का जो कर्टोसिस होता है डैट इज ज़ीरो. आइदर इट इज़ ज़ीरो देन उसका जो पीक का वैल्यू होता है इट इज़ थ्री. ये जो पीक का वैल्यू होता है ये कितना होना चाहिए? थ्री होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और मेज़ोकार्टिक. सेकेंड वन इज इफ़ बीटा टू इज़ ग्रेटर देन थ्री. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन थ्री देन द कर्व इज़ पीक्ड. तब जो कर्व होगा वो हमारा पीक्ड होगा. जैसे बी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक किसका है? बी का है, तो इसको हम लोग कहेंगे लिपोकार्टिक. ओके, एंड अनदर केस दैट इज beta 2 is less than 3. Okay, then the curve is flat topped. See, here it is. A denotes A kya hai? 3 ka jo level hai usse A upar hai, but jo B hai usse niche hai. It means flat top to hai but flat topped hai. Okay, that is also known as plateocartic. Okay, so this was all about kurtosis and its different types of frequency distribution. और इसका जो पीक का लेवल है उसके ही बेस पे जनरली हम लोग इसको तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, डैट इज मेज़ोकार्टिक, लिपोकार्टिक एंड प्लेटिकार्टिक. इस कर्व में भी देखेंगे, जैसे देखिए ये कर्व जो है, ये जो हमारा कर्व है, तो ये जो लेवल है जो ब्लैक वाला है ड्राइंग दिस वन दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है ये कर्टोसिस है नॉर्मल वेरिएबल के लिए तो उसको मेज़ोकार्टिक भी कहते हैं. ओके, और जो ग्रीन वाला लाइन है दैट इज़ पीक, वो एक लेवल पे है, एक पीक वैल्यू है उसका, दैट इज़ लेपोकार्टिक. एंड वन विच इज़ फ्लैट टॉप, इट मीन्स लेस देन लेपोकार्टिक, दैट इज़ प्लेटिकार्टिक. नाउ वी आर हैविंग अ नोट दैट कर्टोसिस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में देखिए, अब एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करना है. तो कर्टोसिस को कैलकुलेट करने के लिए एक बीटा टू जो हम लोग अभी फॉर्मूले में यूज़ किए थे, और उसके अलावा एक और है इफ़ बीटा टू इज़ नॉट गिवन. इफ इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ गामा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देन गामा टू को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ गिवन बाई बीटा टू माइनस थ्री, वेयर बीटा टू इज़ नथिंग बट हम लोग अभी देखे थे म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, या फिर म्यू फोर. म्यू हेयर रेफर टू सेंट्रल मोमेंट. वट इज़ इट? सेंट्रल
मोमेंट, एम फोर भी इसको कह सकते हैं, कहीं कहीं सेंट्रल मोमेंट को एम से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं बुक किसी किसी बुक में म्यू से भी लिखा जाता है। एंड सिग्मा फोर जो है, वेयर म्यू फोर इज द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, इफ़ इट इज़ म्यू टू देन इट इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। बस मोमेंट का जो स्क्वायर होता है दैट इज, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है दिस इज इक्वल टू म्यू टू का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फोर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू फोर इज द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखते हैं तब म्यू फोर टू द पावर सिग्मा फोर, और अगर मोमेंट के टर्म्स में लिखते तो म्यू टू द म्यू फोर टू द पावर डिवाइडेड बाई म्यू टू का होल स्क्वायर दैट इज सेकेंड सेंट्रल मोमेंट उसका होल स्क्वायर एंड दिस इज फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। ओके सो दिस इज हाउ अ कर्टोसिस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन टर्म्स ऑफ गामा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट एंड द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीक वैल्यू। ओके नाउ वी विल सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्यूनस एंड कर्टोसिस। Now let us see an example. See, find out the kurtosis of the following data. Here it is given class interval of a particular frequency distribution and the corresponding frequencies are given. Now the question is that how to find out the kurtosis of the following data. We have seen that kurtosis is being calculated by the formula beta 2, where it is equals to म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर दैट इज मोमेंट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल। हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें क्लास फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू और ये सब फर्थ सेंट्रल मोमेंट सेकेंड सेंट्रल मोमेंट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट या फिर जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ बीटा टू एंड वी विल कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड द टेबल। सी हेयर इट इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 3, 4, 2 जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू है वो लिखे हैं। यहाँ पे मिड वैल्यू लिखना है, फिर एक्स आई माइनस 25 दिस इज एफ आई एक्स आई माइनस 25 दिस इज एफ आई एक्स आई माइनस 25 का होल स्क्वायर दिस इज टू द पावर 3 एंड दिस इज टू द पावर 4। इट मीन्स ये सेंट्रल मोमेंट निकालने का तरीका है सबका। उसके बाद सबका समेशन करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट आवर कर्टोसिस बीटा टू विच इज़ इक्वल्स टू एम फोर अपॉन सिग्मा फोर। ओके हेयर एम फोर और इन सम बुक इट इज़ ऑल्सो रिटन एज म्यू फोर, बोथ आर सेम बिकॉज दे रिप्रेजेंट सेंट्रल मोमेंट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट एंड दिस सिग्मा इज द दिस सिग्मा हेयर रेफर्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके so let's calculate all the value. Now mid value for this will be 0 plus 10 divided by 2 that is 5, 10 plus 20 that is 30 divided by 2 15, 20 plus 30 divided by 2 25 and then it is 35. Okay now what are this x 25 ये कहाँ से आया। सो दिस इज द एज्यूम्ड मीन, वी हैव एज्यूम्ड दैट फ्रॉम वी हैव एज्यूम्ड द मीन टू बी 25 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके नाउ एक्स आई माइनस 25 दिस इज आवर एक्स आई एंड माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20 now this column that is fi into xi minus 25 it means 1 into minus 20 that is minus 20
सी है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 25 का होल स्क्वायर. ओके देन एफ आई इज़ 1 एफ आई वैल्यू एंड एक्स आई माइनस 25 इज माइनस 20 एंड इट्स होल स्क्वायर दैट इज 400 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 400 एंड सिमिलरली वी विल ऑल्सो कैलकुलेट अदर वैल्यू. नाउ दिस वन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 25 टू द पावर होल 3. वाई वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यूज बिकॉज वी रिक्वायर्ड ये सारा वैल्यू हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए फोर्थ सेंट्रल मोमेंट चाहिए. हमें कोफिशियंट ऑफ कर्टसिस को कैलकुलेट करना है जिसके लिए हमें एम फोर फोर्थ सेंट्रल मोमेंट चाहिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए. तो ये फोर्थ सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ सी दिस इज वन एफ आई वैल्यू 1 एंड दिस वन माइनस 20 एंड होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8000. Now similarly we will calculate other value. Now after calculating all this value we will find summation. Summation here refers to sum of all the given values. Then sum of all this given value frequency it will be equal to 1 plus 3 4 4 4 8 8 plus 2 10 that is 10. And then we will come to summation of this column. Then summation of this one will be equals to minus 30. Then here it is equal 300, 200, 500 and 400 that is 900 and this one minus 8000 minus 3000 and plus 8 minus 11000 plus 2000 that is minus 9000 and 3 to 5, 5 and 21. Now we need to calculate the value for mu 4. Okay and we know that the fourth central moment जो होता है हम लोग पिछले central moment वाले lecture में मैं बताई थी कि किस तरह से हम लोग moment about n किसी भी n it means if moment central moment about 0 about 1 about 2 about 3 about 4 और about n किसी भी value के लिए निकालना है तो हम लोग कैसे calculate करते हैं वो मैं प्रूफ के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी. इफ़ यू वांट टू नो द प्रूफ देन प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इज़ गिवन बिलो एंड वॉच दोज वीडियोस केयरफुली. सो यहाँ पे मैं प्रूफ तो नहीं करूँगी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ. सो सेंट्रल मोमेंट अबाउट फोर्थ विल बी इक्वल्स टू so central moment about the fourth will be equals to this one that is mu four dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash plus 6 into mu 2 dash mu 1 square minus 3 mu 1 to the power 4. This is the formula for calculating mu 4 that is fourth central मोमेंट. ओके तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है देखिए यहाँ पे तो म्यू फोर डैश का ज़रूरत है देन म्यू थ्री डैश देन म्यू वन डैश देन म्यू टू डैश. ओके एंड हाँ ये चार वैल्यूज को कैलकुलेट करना है देन ओनली वी कैन गेट द वैल्यू फॉर आवर फोर्थ सेंट्रल मोमेंट. सो let's calculate each value one by one and we know that central moment जो होता है वन के अलावा वो होता है along होता है summation of f x i minus 25 that is assumed mean divided by n. here n also refers to minus assumed mean or x y. okay here n refers to समेशन ऑफ एफ आई फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वही तो होता है समेशन जो होता है दैट इज़ ओनली द वैल्यू ऑफ एन. सो व्हाट इज इट वी विल सी हियर ये समेशन एक्स आई माइनस 25 कितना है सो वी विल सी हियर इट इज़ माइनस 30. सो वी विल राइट इट माइनस 30 अपॉन 10. सी समेशन ऑफ एफ आई इज 10. नाउ इट इक्वल्स टू माइनस 3. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट mu 2 dash, mu 3 dash and mu 4 dash. Now, for calculating central moment about the two,
we will see that for mu 2 it is equals to summation of fi xi minus 25 ka power 2 divided by n. So yahan pe jo bhi calculate karna rahega, if we have to calculate about 1, then central moment about 1, then we will put the power 1. If we have 2, then we will put the power 2. If we have n, then we will put here power n. Okay, now similarly this will be iska value kitna tha, that is c. Here we have calculated its value is 900, then we will write here 900 and 10, n will be same, it will be equal to 90. Now similarly we will calculate mu 3 dash. We will see that हम लोग सारा वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं. सेंट्रल मोमेंट अबाउट 1, सेंट्रल मोमेंट अबाउट 2, 3, 4, वी ऑल हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज. नाउ वी जस्ट हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यूज एंड अरेंज देम इन दिस फार्मूला एंड वी विल गेट द वैल्यू फॉर आवर सेंट्रल मोमेंट अबाउट 4. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू को, ये जो फार्मूला है मे 4, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है. ओके, और यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू को पुटअप करेंगे. मे 4 डैश ये कितना निकला हमारा 1000 माइनस 4 इंटू म्यू 3 डैश. म्यू 3 डैश कितना निकला हमारा माइनस 900 इंटू म्यू 1 डैश, दैट इज माइनस 3 प्लस 6. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट 21000 माइनस, दैट इज 14870. Now we have calculated mu 4. Now we have to calculate sigma 4, that is standard deviation. Okay, so this will be also equals to mu 2 square, mu 2 ka whole square, central second central moment and uska jo square hota, that is all equals to standard deviation. दिस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश. म्यू 2 को म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश लिख सकते हैं एंड देन म्यू 2 डैश के वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, दैट वॉज 90. से 90 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा 81. सो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया हमें 81. जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है दैट इज कर्टोसिस एंड कोफिशियंट ऑफ कर्टोसिस. तो कर्टोसिस जब हम लोग निकालेंगे तो बीटा 2 एम 4 इसका वैल्यू कितना है, बीटा 2 है एंड वैल्यू कितना आया था एम 4 का, डैट इज 14817. इसका वैल्यू आया था 14817 एंड सिग्मा 4 डैट इज इसका वैल्यू कितना आया था, डैट इज 81. ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी इक्वल्स टू, सो इट इज इक्वल्स टू 2.258. दैट इज दिस बीटा 2 व्हाट इट रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ कर्टोसिस. ओके, सो किसी भी क्वेश्चन में कर्टोसिस के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें यही पूछा जा सकता है कि कर्टोसिस का मेजर क्या होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्टोसिस क्या होगा वो. तो ये तो हम लोग मेजर निकाले कर्टोसिस के लिए, बट नाउ व्हेन वी विल डील विथ व्हाट विल बी द कर्टोसिस फॉर द फॉलोइंग गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट विल बी, हम लोग बताए थे गामा 2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस 3. सी यार, हम लोग बताए थे जब कर्टोसिस पढ़ रहे थे उस समय, तो कर्टोसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया जाता है गामा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस 3. और ये जो बीटा 2 है इट इज़ नॉट द कर्टोसिस बट इट इज़ द मेजर ऑफ कर्टोसिस. ओके, सो कर्टोसिस यहाँ पे बीटा 2 है. ओके, नाउ तो मेजर ऑफ कर्टोसिस बीटा 2 माइनस 3, तो बीटा 2 आया हमारा 2.258 माइनस 3 विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.742. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कर्टोसिस फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द मेजर ऑफ कर्टोसिस. ओके, दिस इज द मेजर ऑफ कर्टोसिस.
So this question was all about find the kurtosis of the data और ये बीटा टू और गामा टू जनरली हम लोग यही कैलकुलेट करते हैं. ये जो बीटा टू होता है दिस इज़ द मेजर ऑफ कर्टोसिस एंड गामा टू जो होता है वो एग्जैक्टली कर्टोसिस जो होता है वो गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है. सो दिस वॉज द सॉल्यूशन. हम लोग एक एक करके सारा सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट किए. सारे सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बस जस्ट बीटा टू की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाले, कैलकुलेट किए उसको, एंड देन वी कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस एंड फाइनली वी कैलकुलेटेड द कर्टोसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. और अगर कहीं भी डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू.